अब यहाँ देखिए वो एक टर्न है, राइट के लिए टर्न है, ऐसी शांति कहीं नहीं है यार। भागदौड़ भरी जिंदगी से जब इंसान परेशान होता है शांति के लिए ढूंढता है। चलिए सो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, करीब करीब हम लोगों ने पूरा नेशनल जो पार्क है ना इसको हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया एक तरह से देखा जाए तो, हर एक कोने गए। अभी कहाँ कर लिया, अभी तो बहुत है यार, अभी तो आधी दूरी एक राउंड मतलब एक दिशा का तुमने एक वो कवर किया, अब यहाँ पे टर्न आया है। ये पूरा यू टर्न है एक तरह से, यहाँ से अब यू टर्न लीजिए और सीधे। यू टर्न नहीं लीजिए अभी, इतना उस उधर चलना पड़ेगा। नहीं नहीं हाँ हाँ, अभी आप जो है जब हाँ, आपने एंट्री किया था हाँ, तो आप जो है उसके पूर्वी छोर पे बिल्कुल स्ट्रेट आए हैं आप अभी, है ना। मतलब ये काफी लंबा चौड़ा है, अगर 3-3.5 किलोमीटर तक का है उत्तर के छोर पे, अब बिल्कुल लंबा चलेंगे आप, फिर आप उत्तर के छोर पे, फिर पश्चिम के छोर पे चलेंगे, फिर वहां से पूरब के छोर पे उस क्या कहते हैं कि कॉर्नर नहीं दक्षिण के छोर पे चल के फिर आप आउट होंगे। ओ हाँ, ये किसी जानवर का हड्डी वहां पड़ा है। और ये सब मुझे लग रहा है ना पहले का ट्यूबवेल लगा हुआ 1972 का, जब इसका कॉन्सेप्ट बनाने का था इन लोग का, ट्यूबवेल वगैरह लगाया। गवर्नमेंट ने देखिए काफी कुछ किया है अगर देखा जाए ना तो, ये सब गवर्नमेंट की ही देने की सब चीजें सेफ हैं, अदरवाइज ऐसा हाल दूसरे देशों में हो रखा है, चीजें खत्म होती जा रही हैं। लोगों ने तो विरासत अपने अपने विरासतों को संभाला हुआ है, ऐसी बात नहीं है ना। और ये मुझे पूरा यही उम्मीद है कि ये ट्यूबवेल था जो कि नीचे से पानी निकालता रहा हुआ, और ये आज कहीं ट्यूबवेल बोरिंग वोरिंग हुई शायद बंद हो गया बीच में, वो जो वहां पर आप देख रहे हैं ना बोरिंग रही होगी, वो ट्यूबवेल ही था पानी भरने के लिए मेरे ख्याल से। तो इससे ये क्लियर है कि ये दोस्त नेचुरल पानी नहीं आ रहा है, ये पानी ना ये भरा जा रहा है, हाँ कहीं से एक्सटर्नल सोर्सेस के जरिए वो भरा जा रहा है, क्योंकि पानी आने कोई माध्यम ही नहीं है ना, कुछ जनरल थर्ड कोई स्रोत आपको दिख रहा है, यहाँ से पास कोई नदी भी नहीं है कि कहीं पानी आएगा। सो पानी जो आ रहा है दैट इज कम्स फ्रॉम इंटरनल, मतलब नीचे से आ रही है, जमीनी पानी है, उसे भरा जा रहा है पक्षियों के लिए ताकि पक्षी माइग्रेट होकर यहाँ पर आ सके। ये सब पहले नेचुरल था, अब आर्टिफिशियल करना पड़ रहा है ताकि वो पक्षी कम से कम जो वाइल्ड है ना वो सब जीवित रहे। हमको लगता है इंदिरा गांधी बात तो कोई आया नहीं होगा यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात की जाए, कोई नहीं आया होगा। और यहाँ पर देखिए ये जानवर हैं, ये सब तो नेचुरल हैं, ये सब तो गाय है बैल है, ये पास पड़ोस के होंगे, लोगों ने छोड़ दिया होगा चरने के लिए। ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ना ये उसी पर्पस से है। आप देखिए और इधर उधर घूम, हाँ खड़े हो जाइए थोड़ा देख लीजिए। और मुझे लग रहा है इधर जो बन रहा है ना ये कुछ नया बना रहे हैं, दाएं बाएं साइड में अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ नया बनाने की कोशिश है। ना आपने कुछ खाया ना नहीं खा, तो इसलिए तो आप देख रहे हैं काफी कुछ जो है यहाँ पर है ना ये बन रहा है कुछ नया, कुछ हमको लग रहा है या तो कुछ बनाएंगे। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि बीच बीच में ऑटोमेटिक टीला बन जाता है। नहीं नहीं ऑटो अपने आप कैसे बन जाए, मिट्टी डाला गया है यार, ये साफ साफ दिख रहा है बनाने के पर्पज से। जैसे कि पेड़ लगाना या फिर पेड़ का नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसे टीला बनाएंगे उसमें पानी डालेंगे ताकि पक्षी या फिर उसमें जो पनडुब्बी समडुब्बी टाइप की जो होती छोटे मोटे डुबक्की मारते थे पानी में वो सब रह सके। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे लग रहा है बाद में चल के दोनों तरफ पानी की व्यवस्था करेंगे, इस तरफ भी पानी रहेगा इस तरफ भी बीच में लोग जाएंगे। ये मुश्किल है आज से 5-7 साल बाद नहीं हो पाएगा। नहीं कॉन्सेप्ट तो वही मुझे लग रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट हो बट हो नहीं पाएगा, रीजन ये है ना क्यों इसका एरिया बहुत ज्यादा है, 3.5 किलोमीटर तक का पूरा एरिया है, सामने लिखा 3.5 किलोमीटर तक का पूरा एरिया है, मतलब पूरी जो इस गार्डन का पूरा साइज जो है ना 3.5 किलोमीटर तक का है। कहाँ देखा आपने, वहाँ पे जब हम लोग एंट्री ले रहे थे। एक एकड़ पूरा है, एक एकड़ से ज्यादा है, ज्यादा ही है लंब लेंथ में देखा है 3.5 किलोमीटर। वो आप देख पा रहे होंगे दूर तक बिल्कुल वो तालाब है, पानी मेरे ख्याल से वहीं से आ रहा है जो
पानी का स्रोत है वो वही है। नदी है, अच्छा उधर ताल का दूसरा पार्ट है ये। तो हम लोग थोड़ा देखा जाएगा आगे तक कि वो कौन सा पार्ट है। ये जैसे कि रोड से बिल्कुल आउटसाइड में है, अपोजिट साइड में, आइए देख के आते हैं, व्यू करते हैं। थोड़ा सा चार कदम पे ही चलेंगे और उसको देखा जाएगा कि क्या है। मुझे लगता है नदी सदी टाइप कुछ ऐसा है जिससे कि आ रहा है। आइए ये हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज को, डीप एक्सप्लोर। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं है, यहाँ पर कोई है ही नहीं चेक करने वाला, तो रोक टोक कहाँ से रहेगा। लेकिन ठीक है, सब नेचुरल ही है। तो ये एरिया है जो कि काफी खूबसूरत है। आप देखिए पक्षियों को जूम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये माइग्रेटेड पक्षी हैं जो कि सिर्फ पूरे इंडिया से और बाहर से भी आते हैं, जो कि सर्दियों में ही सिर्फ यहाँ पर आते हैं। माइग्रेटेड पक्षी हैं, ये सिर्फ सर्दियों में यहाँ पर आते हैं और उसका सर्दी खत्म होते यहाँ चले जाएंगे उस जगह जहाँ पर फिर सर्दी होगा। ये आप देख पा रहे होगे, ये देखिए काफी छोटे छोटे पक्षी हैं, काफी कुछ है। चूंकि मेरे पास आते ही सब भाग गए दूर, हालांकि थे इधर ही, लेकिन ये सब अब चले गए। देखिए चलिए अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ये आप लोग के लिए हमने इधर से आना के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए हमने यहाँ पर आया। चलिए अभी से निकलते हैं, काफी जो है कांटे तो बहुत हैं, पूरे कांटे ही कांटे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। यहाँ पर देखिए चार गाय बैठे हुए हैं,
भाई साहब बहुत बैठी हुई हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ज्यादा काटे हैं, मतलब अगर आप सुरक्षा नहीं चलेंगे ना तो जूते उदम घुस सकता है। यहाँ फूल नहीं है काटे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। चलते हुए हो गया हाँ। यहाँ कोई प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ पे बैठ के आदमी दो। हाँ ये ड्रॉबैक है। हाँ, बहुत बड़ा ड्रॉबैक कि अगर 3-3.5 किलोमीटर का पूरा एरिया है तो कम से कम बैठने के लिए व्यवस्था इनको करना चाहिए कि अगर कोई है सो वो कहीं बैठ सके, कहीं थोड़ा रेस्ट ले सके, ये चीजें होनी चाहिए थी क्योंकि काफी लंबा एरिया, एक तरह से बोला जाए इनको फीडबैक है, ये चीज इनके पास होनी चाहिए जो कि है नहीं। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक और देखिए वॉच टावर है, वो जो दिख रहा है ना वो भी वॉच टावर ही है। तो दो वॉच टावर उस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। हाँ, एक एंट्री के वक्त मिला आपको अभी, आपने 50% भी दूरी तय नहीं की इसकी। नहीं नहीं, हमको लग रहा है कि हम लोग 70 के आसपास डाक गए। नहीं अभी आप जो है पूर्वी छोर पे आप चले। हाँ, अब आप जो है क्या कहते हैं कि उत्तरी छोर पे आप चल रहे हैं, उसके बाद आप पश्चिमी छोर पे भी देखिए, यहाँ से देखिए आगे टर्न है, देखिए हाँ। दिख रहा है ना हाँ। ये भी पश्चिमी छोर का टर्न है ये, ठीक है। पश्चिम के बाद फिर आप जो है अब ये देखिए ये पानी की बात मैं कर रहा था ना, ये पानी इधर से निकल के उस तालाब में जा रहा है हाँ। उधर वाले में जो उधर वाला है, तो इसका मतलब ये चीजें ना, ये देखिए इस तरफ से पानी निकल के तो सबको आपस में लिंक कर रखा है इन्होंने ना, कि जो पानी रहे इस तरफ का पानी उस तरफ ये जा सके, तो कुछ इस तरह का है ये। टर्न नहीं है, मुझे तो टर्न नहीं समझ में आ रहा है, आगे का रास्ता या बोलो टर्न है ना, आगे से टर्न मिलेगा ना। वॉच टावर, वॉच टावर अगर वहाँ पड़ा हुआ, वहाँ बना हुआ है तो आपको टर्न आगे मिलेगा ना। हाँ ये भी बात है, मिलना चाहिए। हाँ चूंकि वो अकेला था तो वो सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके साथ कोई था नहीं, वो तो वो एक काम करने वाले हैं। कितना अच्छा हवा चल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी पहले ही ना सही हो जाओ, ठंडी काफी अच्छा है ये ठंडी जो है ना, बहुत संभाल के मतलब पता चला कि हवा में सब अगर घुल जाएगा ना तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, नहीं है तो। अब ये देखिए हम लोग काफी जो है नजदीक पहुंच चुके हैं, अगर देखा जाए तो इधर भी देखिए तालाब है, वही चारों तरफ पूरा ताली है, बस इसको घूमने लायक बना दिया गया है। और मेरे ख्याल से पहले सब जंगल रहा होगा, इसको काट उठ के ताल बनाया गया है, अब थोड़ा इसमें रास्ता बना दिया ताकि लोग जो आए एज अ विजिटर उसको विजिट कर सके। छोटे छोटे पक्षी है, ये पूरा ताल है, पानी का मतलब हर जगह स्रोत अवेलेबल है, पानी का ऐसा नहीं है कहीं पानी नहीं है या पानी की कमी है। आवाज देखिए, आवाज देखिए पक्षियों का, क्या गोविंदा का मतलब स्टाइल हुआ करता था। आई लाइक गोविंदा स्टाइल, गोविंदा अब तो आता नहीं पिक्चरों में, नहीं अब तो उसका ट्रेंड ही चला गया ना, लोग पसंद ही नहीं करेंगे उसको। यही है, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का टाइम के बाद चीजें पुरानी हो जाती हैं। देखिए अब बोले तो लोग नहीं आते, मुझे लग रहा है लोग आते हैं इसी सब, देखे ना रोड पे आप देखिए तो पूरा पांव का वो पड़ा हुआ है, तो कितना घास जम गया होता तक, अभी सब साफ किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है, अभी नया बना हुआ है, देख रहे हो उसका क्या कंस्ट्रक्शन, देखो पहले न्यू कंस्ट्रक्शन है सारे। हम लोग काफी लच्छे के करीब पहुंचने वाले हैं, एक्सप्लोर करते करते हमने पूरा नेशनल पार्क को एक्सप्लोर कर लिया, पक्षियों को देखा, काफी प्रकार के पक्षी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पक्षियों के लिए बना है। यहाँ पे बबूल का पेड़ भी बहुत है, बबूल का पेड़ तो जंगली पौधा है ही, वो तो हर जगह निकलता रहता है, जहां पर पहले से जंगल रहा हो तो वहां पर उसका बीज रहता ही रहता है, उसका बीज जो होता है वो जल्दी खराब भी नहीं होता, कई कई वर्षों तक पड़ा रहता है, पानी पाते ही निकल आते हैं सब बाहर। बबूल का तो बात ही मत कर, बबूल तो जंगल की निशानी है, जंगल है बबूल नहीं है तो फिर जंगल की बात का। ये देखिए
हर किस कांटी पे गमरी बिछी है, पी है गंगा जल पानी, राम की बिगाड़ल बतिया के उना बनाई, राम की बिगाड़ल बतिया, राम बिगड़ जैन छिमण बिगड़े, बिगड़ ग जान की माता। ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर उक्टर से चढ़ाया गया है, ये ट्रैक्टर उक्टर से लाके इसको प्लेन किया गया, काटा गया है, कुछ बनाने का होगा कॉन्सेप्ट, कुछ होगा जरूर, क्योंकि लिंक किया जा रहा है इसी प्रोसेस। देखा, अब मैंने कहा था आप जो है उत्तरी छोर पे चल रहे हैं, अब यहाँ से अब आपका पश्चिमी छोर शुरू हुआ, पश्चिमी छोर है। अच्छा, अब उतने अब आप फिर चलेंगे जितना आप जो है उत्तर चले थे। नहीं नहीं, ऐसा भी तो ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ से सीधे रास्ता हो। नहीं, कोई रास्ता ये जो आप देख रहे हैं ना वॉच टावर, वहीं से सीधा रास्ता हो। अरे नहीं, हालांकि मुझे लग रहा है कोई इंसान वॉच टावर के पास है। चलते रहे, चलते रहिए, इंसान नहीं जानवर है। नहीं नहीं, इंसान ही जानवर है वो। देखा, मेरा जो मैथ है ना, बेसिक में मैथ में डिस्टेंस, वो क्या नाम है, गेस मार्क लेके पास हुआ हूँ, पर तजुर्बा है यार। नहीं, आप मैप को धुलाना चाहते हैं, मैप जो दिखा रहे थे वो गलत है। तो ये देखिए, ये वॉच टावर है जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मैं इसको जूम करता हूँ, वो पास अगर हो सकता है व्यवस्था हो तो जाने का जाएंगे, अदरवाइज अगर दूर होगा तो कोई बात नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि वॉच टावर है तो पास में ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो फॉरेन के सैलानी थे ना, जो आए थे फॉरेनर वाले, वो सब तो रिटर्न हो गए, क्योंकि उनसे उतना चला नहीं जाएगा, एक्सप्लोर ना उनसे होगा, वो थोड़े थोड़े दूर तक गए, नोटिस किए, चल दिए फोटो लेके दो चार, तो उनके लिए वो तो बड़ी मुश्किल की बात है कि पूरा वो घूम सके इतना लंबा चौड़ा। नहीं नहीं, एटलीस्ट जो इंडियन है वो तो कर ही सकते, घूम ही सकते हैं। नहीं, हम जैसे बेले उनके पास कोई काम ना हो वो पूरा घूमते हैं, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो पूरा पूरा मजा लेते हैं वो। हाँ, जहाँ वो भी जाते हैं एक्सप्लोर करके आते हैं। ये तो वहाँ भी, तो ये हम लोग वॉच टावर के पास पहुँच रहे, मेरे ख्याल से बंद है या खुला है, अगर आगे से हो सकता है तो वो देखेंगे, करीब चल के देखेंगे एक बार, आप लोग को भी दिखाएंगे। और ये देखिए पानी निकलने की व्यवस्था, जो नीचे से आप देख रहे हैं ना, ये देखिए पानियों को जाने का व्यवस्था, और ये रहा गेट। तो अब हम लोग चलेंगे पास में, जानवर है, डर लगता है हमको। कौन सा, अरे कुछ आई, तो हम लोग अब पास चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि वॉच टावर का क्या सिचुएशन है, कि देखने लायक है कुछ। अरे नहीं दौड़ाएगा यार, जब तक जानवर आपको तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक आप उसे नहीं छेड़ते हैं। ये जो सारे देख रहे हैं यार, सिंह वाले हैं। ओए इंद्रा, अब हम लोग चढ़ेंगे वॉच टावर पे। बच्ची लाखों पाए। अरे इतना भयंकर सिंह वाला जानवर देखो। तो अब हम लोग चढ़ेंगे, देखिए ये रहा वॉच टावर, ये पूरा लोहे का है। सो चलिए इसको चढ़ते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखा जाए कि क्या है आखिर यहाँ पर। ये देखिए, ये वहां पर लकड़ी का था, यहाँ पर ये इसका दरवाजा, मतलब चढ़ने का जो होता है। तो आइए चढ़ते हैं धीरे धीरे। कभी-कभी ऊंचाई पे जाने में अच्छा लगता है, कभी-कभी डर लगता है। बहुत ऊंचा है ये तो है, ऊंचाई की बात मत करिए, ऊंचाई तो है इसका। ये हमको लगता है फर्स्ट लेयर है, ये कई लेयर में है, देखिएगा संभाल कहिएगा। सो गाइज, ये देखिए दोस्तों, ये इसका फर्स्ट लेयर है और ये रहा फर्स्ट लेयर। ये देखिए आप, यहाँ से भी कुछ कुछ आपको दिखेगा, आइए पास। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से ना पानी होनी शायद यहाँ तक आता होगा, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ये देखिए नाली जो दिख रहा है नीचे ना, ये नाली जो है इसलिए बनाई गई कि एक जगह का पानी दूसरी जगह जो है एक्सपोर्ट किया जा सके, भेजा जा सके। तो ये देखिए काफी लंबा चौड़ा है, ये सेकेंड लेयर है इस वॉच टावर का। इसके ऊपर भी एक लेयर है, उस पर चलते हैं हम लोग, एक लेयर चढ़ना ही पड़ेगा। नीचे जानवर से, तो ये चढ़ते हैं इसके सेकंड लेयर पे, वो मेरे ख्याल से काफी ऊंचा हो जाएगा, हालांकि सुरक्षित तो है, सुरक्षा में कमी नहीं है, सुरक्षित तो है। अब ये देखिए आप, ये हम सेकंड लेयर से दिखा रहे हैं आपको, वो
देखें आप दूर से हम लोग होते हुए पूरा घूमते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ से हम लोग सीधे इस रूट के जरिए बाहर जाएंगे, इस रूट के जरिए होते हुए बाहर। यही है पूरा लंबा है यार, इतनी जल्दी बाहर वाला सिस्टम इतना। और ये देखिए वॉच टावर का सुरक्षा देख रहे हैं, मजबूती है, लोहे का है पूरा, ये काफी अच्छा है।